भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं, अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते, अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है।